नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, उसने पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया। लोग हमको पता है और हम पिछले साल आज ही हमारे किसी साथी ने सितंबर महीने का एक मेरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें मैंने उनको बताया है कि नीतीश कुमार भाजपा छोड़ भाग के जाने ही वाले हैं। नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है तो वो वहां से पलट जाते हैं, बाकी 13 करोड़ जनता को अपने हिसाब से पलटना पड़ता है कि अब नीतीश कुमार, अब मान लीजिए भाजपा के जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, नीतीश कुमार अभी भाजपा में थे तो उसको गाली दे रहे थे, फिर वो आगे महागठबंधन में तो सबको पलट के इधर आना पड़ा, अब फिर पलट के भाजपा में चला गया तो फिर सारा मुसलमान अब फिर गड़बड़ा जाए। अभी भाजपा वाला गाली दे रहा था शराब की, अभी देखिए कल से उसको शराबबंदी में गांधीवाद दिखने लगेगा। बिहार की राजनीति को लेकर जो कयास काफी दिनों से लगाए जा रहे थे उसे सत्य साबित करते हुए आज नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज 5 बजे शाम में वह फिर से इंडिया गठबंधन छोड़ एनडीए में शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने पदयात्रा के दौरान मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने तो सितंबर महीने में ही एक प्रेस विज्ञप्ति में यह भविष्यवाणी कर दी थी कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारते हुए एक बार फिर एनडीए में शामिल होंगे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार खुद तो पलटी मारते ही हैं, इसके साथ साथ बिहार के जनता को भी पलटी मारने पर विवश कर देते हैं। वे जिस भी सरकार में जाते हैं उनके उसूल और विचार बदल जाते हैं। जब वे एनडीए में थे तब आरजेडी के तेजस्वी यादव को शराबबंदी खराब लगती थी और जैसे ही वो आरजेडी के साथ इंडिया गठबंधन में आ गए उसके बाद से नीतीश कुमार का शराबबंदी उन्हें सही लगने लगा और गांधीवादी लगने लगा। इसी प्रकार जैसे अभी तक बीजेपी नीतीश कुमार की कानूनों को लेकर कटाक्ष पेश करती थी, अब एनडीए में शामिल होने के बाद वही विचार उन्हें गांधीवादी विचार लगने लगेंगे। इसी तरह के कई कटाक्ष भरे बयान प्रशांत किशोर देते नजर आ रहे हैं। हमको पता है और हम पिछले साल आज ही हमारे किसी साथी ने सितंबर महीने का एक मेरा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया जिसमें मैंने उनको बताया है कि नीतीश कुमार भाजपा छोड़ भाग के जाने ही वाले हैं, आज जाएं या कल जाएं तो यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाने का उपाय करते हैं। खैर उससे कोई वो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं है, उसका इतना ही असर है कि पदयात्रा आपके यहाँ जो 31 को जानी थी वो शायद 2-4 दिन आगे पीछे हो सकती है, ताकि जितने सामाजिक राजनीतिक लोग हैं उनके मन में भी एक स्थिरता रहे कि किस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं, कि भाई चुनाव 2 महीने के बाद है कि चुनाव अपने समय पर होगा, ये महागठबंधन में है कि भाजपा में है। तो नीतीश कुमार का एक बड़ा योगदान है कि वो वहां से पलट जाते हैं, बाकी 13 करोड़ जनता को अपने हिसाब से पलटना पड़ता है कि अब नीतीश कुमार, अब मान लीजिए भाजपा के जितने हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, नीतीश कुमार अभी भाजपा में थे तो उसको गाली दे रहे थे, फिर वो आगे महागठबंधन में तो सबको पलट के इधर आना पड़ा, अब फिर पलट के भाजपा में चला गया तो फिर सारा मुसलमान अब फिर गड़बड़ा जाएगा। अरे भाई तो फिर वही धोखा दे दिया। अब मुसलमान अकेले नहीं है, व्यवस्था सब पर लागू होती। अभी आप भाजपा के सपोर्टर कार्यकर्ता थे तो आप नीतीश कुमार को गरिया रहे थे, अब वो आ गया आपके पास। नीतीश कुमार का बड़ा योगदान है, उसने पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया। लोग कहता है नीतीश कुमार पलटू मार, हम कह रहे भाई पूरे बिहार को पलटी मार बना दिया, वो तो अपने स्वेच्छा से पलटी मार रहे हैं, बाकी लोग को तो मजबूरी है, करेंगे क्या। जिस तेजस्वी यादव को आप शराब और स्मैक की बात कर रहे हैं, 1 साल तक तेजस्वी यादव को 1.5 साल तक बिहार में शराब का अवैध कारोबार दिख रहा था, नीतीश कुमार के लोग उसमें शामिल दिख रहे थे। जिस दिन नीतीश जी पलटी मारे तो पूरा आरजेडी भी पलटी मार दिया, तो कहता ना शराबबंदी तो ठीक ही है, गांधी जी ऐसा ही चाहते थे। अभी भाजपा वाला गाली दे रहा था शराब की, अभी देखिए कल से उसको शराबबंदी में गांधीवाद दिखने लगेगा। तो पूरे बिहार को ये अफसोस की बात है, पूरे बिहार को हम लोग को हंसी का पात्र बना दिया है यार।